फ्रेंड, आज मैं लाई हूँ आपके लिए गाजर का बहुत ही टेस्टी हलवा। आप इसे बहुत ही आसान और सरल तरीके से बना सकती हो। और गाजर को बिना कद्दूकस किए हुए, बिना घिसे हुए, तो आप झटपट इस हलवे को तैयार कर सकती हो और बिना मेहनत के। तो इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, और बिना कद्दूकस किए। नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रमिला IND चैप में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बिना काटे, बिना कद्दूकस किए हुए बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो, ये मैं गाजर ली हूँ, 1.5 केजी है मेरा एक गाजर। तो गाजर को क्या करेंगे, पहले छील लेंगे, ये व्हाइट वाला पार्ट चाकू से कट करके निकाल देंगे। तो गाजर को पहले ऐसे ही सारे गाजर को छील लेते हैं और ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ये वाला पूरा पार्ट निकालना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम पहले गाजर को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने सारे गाजर को छील के अच्छे से साफ कर लिया और ये व्हाइट वाला पार्ट कट करके निकाल दिया है। तो अब एक लेंगे प्रेशर कुकर, ऐसे प्रेशर कुकर के अंदर सारे गाजर को डाल देंगे। तो आपसे पहले हम बताए हैं, बिना कद्दूकस किए आज हम बनाएंगे, बिना घिसे गाजर को। सारे गाजर को इसी तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, गाजर के अंदर डालेंगे देसी घी। तो देसी घी बहुत जरूरी है, अच्छा टेक्सचर पाने के लिए देसी घी जरूर डालें। इससे इसका क्या है, हलवे का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो देसी घी डालने के बाद फ्रेंड, हम गैस को जला लेंगे। हलवे के अंदर डालेंगे 2 पिंच, ये है क्या है, ये इलायची पाउडर। इससे इसका फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आएगा हलवे का। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक जो है गाजर को बहुत जल्दी हमारा गला देगा। अब लगा लेंगे सीटी। तो 2 सीटी आने तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे गाजर को। तो फ्रेंड, एक तरफ मेरा गाजर बॉयल हो रहा है, एक तरफ हमारा दूध 1 लीटर ली हूँ हलवे के लिए। तो दोनों को साथ में ही बना रहे हैं, तो इसे बीच बीच में हलवे का जो दूध है हम चलाते रहेंगे कलछुल से। तो फ्रेंड, एक तरफ मेरा हलवा बन रहा है, एक तरफ हम दूध को जला रहे हैं। तो इसी तरह से दूध को हमें जला लेना है। इसी तरह से कलछल से हम दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे और साथ में जलाते भी रहेंगे दूध को, जब तक हमारा गाजर में अच्छे से हमारा गाजर पकेगा। सॉफ्ट होने तक गाजर को भी पका लेंगे एक तरफ दूध को भी जला लेंगे। तो इसी तरह चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड, दूध भी हमारा जल के बहुत कम हो गया है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। तो दूध को उस साइड में रख लेते हैं, दूसरे साइड। गाजर को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, गैस को हम बंद कर लेते हैं और गाजर कितना सॉफ्ट हुआ है ये देख लेते हैं। पहले गाजर ने फ्रेंड देखो, पानी बिल्कुल भी नहीं डाली थी गाजर के अंदर, गाजर ने इतना पानी छोड़ दिया है। और ये हमारा गाजर भी बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, तो चम्मच डालने से ही ये टूट जा रहा है गाजर। तो आप इसे बाहर भी निकाल के देख सकते हो इस गाजर को। तो अगर इस तरह से आप बनाओगे ना हलवा, बिल्कुल सादी जैसा टेक्चर पाओगे। एक कटोरी लेंगे फ्रेंड्स और इसे चेक करते हैं कितना अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो इसे एक क्या करना है, एक इस तरह से हम देखो जो दही मथते हैं ना, वही मथनी है। इसी तरह से हम इस गाजर को जो है इसी तरह से मैश कर लेंगे। इसी तरह से मैश कर लेते हैं गाजर को। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे गैस को फिर से मैं जला ली हूँ। कुछ ऐसा मेरा गाजर का हलवा बन गया है। तो इतना बड़ा ही साइज रखना है, फिर ये जब दूध डाल के पकाएंगे ना तो अच्छे से ये घुल जाएगा मेरा हलवा। तो इसी तरह बिना घंटों मेहनत किए आप इस तरह से हलवे को बना सकते हो। तो फ्रेंड, दूध अब डाल लेंगे गाजर के जो हलवा हमारा है उसके अंदर दूध डाल लेंगे, सभी को डाल के। और गैस को जला के मीडियम हम इसे पकाएंगे। देख पा रहे होंगे फ्रेंड, दूध भी हमारा काफ़ी जल गया है। फ्रेंड, ये मेरा अच्छे से हलवा पक रहा है, इसी तरह से इसे पकाना है दूध के अंदर। फ्रेंड्स, अब हलवे के अंदर डालेंगे मीठा के अनुसार चीनी।
तो आप कम या ज़्यादा अपने मीठा के अनुसार ले सकते हो। और चीनी को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स हलवे में अब यहाँ पर आप मावा भी ले सकते हो। तो आज बिना मावा का बना रही हूँ मैं हलवा, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड एक लेंगे तड़का पेन और गैस को जला लेंगे। तो गैस को जला के कम कर लेंगे। अब उसके अंदर लेंगे देसी घी तड़के के अंदर। घी को कर लेंगे गरम। तो अब इसके अंदर डालेंगे कुछ कटे हुए बादाम, कुछ काजू, साथ में डाल के थोड़ा से इसे क्या करेंगे, एक किशमिश है फ्रेंड्स, इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस को अब थोड़ा से कर लेंगे तेज और इसे अच्छे से थोड़ा सुनहरा होने तक इसे भून लेते हैं सारे ड्राई फ्रूट को। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे मेरे ड्राई फ्रूट भून गए हैं, किशमिश तो फूल गई है बिल्कुल गुब्बारे की तरह। अब गैस को कर लेते हैं बंद, सारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब गाजर के अंदर हम हलवे के अंदर डाल लेते हैं सारे ड्राई फ्रूट को। ये मेरा हलवा तैयार हो गया है बनके। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप मेरे हलवे को, इसी तरह से हलवा शादी वाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।